हमारी आयरन प्लेट्स होती हैं, स्टील आयरन की प्लेट्स होती हैं। इसमें आपको 500 ग्राम से लेकर 25 केजी तक की प्लेट्स मिलने वाली होती है। ये हमने ग्रिपिंग दी है इसमें ताकि आप इसको उठा सकें इजीली, आप इसको हैंडल कर सकें, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है। तो आप जैसे ज़मीन पे रखी जाती है, ज़मीन पे रखे जाने के बाद 20 से 25 किलो की जो दोनों प्लेट होती है उठाने में प्रॉब्लम होती थी, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। ये जो एलिमेंट है, शायद हमने अभी कुछ बिल्कुल अभी अभी किया है, बिल्कुल नया अपना एडिशन है। सबसे इसे उठाना बहुत मुश्किल होता है, आयरन प्लेट्स को तो खासतौर से बड़ी थिन होती है, बड़ी थिन होती है ना, छोटी होती है, आराम से अपनी फिंगर्स को संभाल के उठा सकते हो। और इसकी थिकनेस भी देखिए आप, ये 20 केजीज की बिल्कुल, और ये 20 केजीज की बंपर प्लेट है। ये थिकनेस आप देखिए, ये मोटी है और ये काफ़ी पतली है। तो आयरन प्लेट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसे आप बहुत ही कम थिकनेस के अंदर लोड कर पाओगे। और जैसे सर ने बताया कि 800 केजीज तक आप, मतलब 400 केजी एक साइड पे आप लोड कर सकते हो आराम से। 25 केजी की प्लेट, बिल्कुल। आप अगर बम्पर प्लेट की बात करें तो बम्पर प्लेट आती है हमारी, हमारी वाली बम्पर प्लेट्स हमारी बार पे 350 केजी आती है, और ये वाली प्लेट्स आपकी पावर लिफ्टिंग की प्लेट्स 800 किलो आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा एंड पावर लिफ्टिंग में ज़रूरी ये भी है कि प्लेट्स पास पास रहें ताकि स्लैक ज़्यादा ना हो, स्लैक ज़्यादा ना, बिल्कुल। और वेट लिफ्टिंग में स्लैक जरूरी होता है, तो थोड़ा आउटर पुश करना ही पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास तो फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल प्लेट आ जाती है, ये हमारे कोलर होते हैं, ये भी CNC मशीन्ड है, ये बहुत ही बेस्ट और अच्छा कोलर है। ये आपको यहाँ पे नर्लिंग मिल जाती है ताकि आप इसको इजीली टाइट कर सकते हैं। इसका वेट 5 kg, 2.5 kg एक एक कोलर का होता है, मतलब 5 kg 2 pieces का होता है, कैलिब्रेटेड कॉलर है, 2.5 kg मतलब 2.5 kg, और ये एक्चुअली कंपटीशन में यूज़ किया जाता है, वरना तो बिल्कुल काफ़ी हैवी होता है और मुश्किल होता है लगाना, कंपटीशन में यही यूज़ किया जाएगा। बाकी प्लास्टिक कॉलर्स और एल्यूमिनियम कॉलर्स ही यूज करते हैं, स्प्रिंग कॉलर जिनको बोल देते हैं। 500 ग्राम से लेके आपको यहाँ पे 1 kg, 1.25 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg और फिर 5 kg मिलने वाले। ये हमारी फ्रैक्शनल प्लेट होती है, ये बम्पर प्लेट्स, ये कलर्ड बम्पर प्लेट्स होती है हमारी, नेचुरल 100% रबड़ से मेकिंग होती है, 2 years की वारंटी होती है इसके अंदर, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो 90 होती है, 90 ड्यूरोमीटर रेटिंग जिसको बोलते हैं, वो 90 होती है, जिससे कि आपको बाउंस कम मिले। ऐसे इधर हमारी ब्लैक बम्पर प्लेट्स आ जाती है, ये ऑल ब्लैक होती है, ऑल ब्लैक होती है, ये कलर्ड होती है, कलर्ड होती है, थ्रेड में डिफरेंस, बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी थिकनेस में भी कोई डिफरेंस है? थिकनेस में सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है। और ये इस समय कितना वेट लगा हुआ है इसके, इस समय इस प्लेट रैक के ऊपर अराउंड 650 किलो वेट लगा हुआ है, 650 किलो, और ये भी 80 का ही है, 80 का ही बनाया जी जी। तो अगर आपने बहुत सारी प्लेट्स हैं तो सारी इस पे ही लोड हो जाएंगी। आप आपके जिम में अगर 1 ton प्लेट है तो आपने 2 या 3 जो हमारा स्टैंड है ये ले लिया तो आपका काम ही खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। और प्लेट्स हर जगह फैली भी नहीं होगी जिम में, आप एक ही जगह स्टैक कर सकते हो, लगा सकते हो आराम से। रैक ले ली तो फिर आपको आपको वेट हॉर्न आते ही हैं साथ में, हम वेट हॉर्न यूज़ करते हैं, सारी प्लेट लग जाती हैं, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। इस आपको इसमें बीच में स्टील में हब मिलने वाला है, ये भी कैलिब्रेटेड होता है, इसकी जो ऊपर से प्लेट्स का बेस होता है वो थोड़ा कर्व्ड होता है, जिससे कि आप इसको उठा सकते हैं आसानी से। 15 kg, बिल्कुल। आपको यहाँ भी इधर भी लाइनिंग मिलने वाली है, उधर भी लाइनिंग मिलने वाली होती है, ये कॉम्पिटिशन प्लेट्स होती हैं, कैलिब्रेटेड प्लेट्स होती हैं जी। हमारी वहाँ पे जो वार्ड पर लगी हुई हैं वो जो लगी हुई है नॉर्मल कलर, वो ट्रेनिंग प्लेट्स हैं, ट्रेनिंग प्लेट्स हैं, और ये कॉम्पिटिशन प्लेट्स हैं। इसका फर्क यही होता है कि इसके अंदर हब लगा हुआ था, हब लगा हुआ था, बिल्कुल करेक्ट। इसके अंदर ये 4-5 volts लगे हुए हैं, बिल्कुल। हम कैलिब्रेट करने के लिए यूज, कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं कि वोल्ट्स का वेट अलग अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, नीचे कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बिल्कुल कैलिब्रेटेड है कॉम्पिटिशन लेवल के लिए कि 1 kg भी ऊपर ना जाए, 1 kg मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि फिर वो 1 kg से ये पोजिशन चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है सर। फिनिशिंग के बारे में बता दीजिए इसकी, इसमें क्या फिनिशिंग है, क्योंकि लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है प्लेट्स की बहुत जल्दी। इसमें फिनिशिंग ख़राब होने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ना हैचिंग होती है, आप देख रहे हैं ना इसको, ये क्रोम नहीं है, ये हैचिंग होती है। हैचिंग से क्या होता है कि आपको, आप जैसे देख रहे हैं कि भाई बम्पर प्लेट ज़्यादा यूज़ हो रही है जिम में, तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं, जैसे कपड़ा आप लगाएंगे हल्का सा गीला करके या सिलिकॉन ऑयल लगाएंगे हल्का सा गीला करते ही तुरंत चमक जाता है,
ये हैचिंग का मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है जो हैचिंग होती है। ओके, इसी कुछ कुछ लोग इसे काफ़ी ज़्यादा हैच करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स वबल्स आ जाते हैं, वो बिल्कुल ही एंटी स्क्रैच हो जाती है। वो बिल्कुल एंटी, मैंने देखा है कुछ प्लेट्स के अंदर वो एंटी स्क्रैच होती है, वो एंटी स्क्रैच। कुछ प्लेट्स इतनी चीप होती हैं जिसके अंदर वो हैचिंग भी यूज़ नहीं करते, सिंपली दे देते हैं वो कुछ भी नहीं, वो छूते ही उसके अंदर डेंट आ जाता है, गिराते ही गिराते, और नाखून से भी मतलब गिर जाता है। इसकी ब्रांडिंग कब तक रहने वाली है? ये तो कभी नहीं जाने वाली है ऐसे अगर आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कॉलर बाहर आ रहा है, अगर आप प्लेट्स के साइड में प्लेट्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे टच ही नहीं हो रहा, फिर ब्रांडिंग जाएगी जब जैसे आप नीचे प्लेट्स गिर रहे हैं उसके ऊपर प्लेट्स पे प्लेट्स गिर जा रही है, अगर नाम पे प्लेट्स आ रही है तो ब्रांडिंग हटने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बढ़िया। मैंने किसी प्लेट पे देखा था ये जो है ट्रेनिंग 20 kg, ये थोड़ा हैच्ड करके लिखा हुआ, एम्बोस्ड कर रखा था, ये है किसी प्लेट के अंदर? जैसे यहाँ ये देखिए, ये 5 kg में मिलने वाला है। ये आपने 5 kg इस पे इम्पोस्ट कर रखा है? ये एक्चुअली डाई के अंदर इम्पोस्ट हुआ है, जो डाई होती है जिसमें प्लेट्स बनती है वो डाई के अंदर ये एनग्रेव्ड होता है, तो यहाँ पे ये 5 kg आपको इसी के अंदर मिलने वाला है, यहाँ पे ये स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। और ये 5 kg 5 kg में ही आता है, बाकी सब में कितने किलो का बनता है? ये 150 kg का सेट बनता है जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 kg की एक एक पेयर होते हैं। एक एक पेयर जी। कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग बम्पर्स का कितने का सेट बनता है? ट्रेनिंग कंपटीशन का सेट आता है आपका 140 kg का, क्योंकि उसमें 5 kg की प्लेट्स नहीं होती है, 5 kg फ्रैक्शनल वेट से स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो थैंक यू विशाल सर हमारे को टाइम देने के लिए। विशाल सर ने आधा घंटा दिया हमें और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी अपने इक्विपमेंट्स के बारे में। IHF दिल्ली के अंदर ये बड़ा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई विजिट इतनी हो रही है कि मतलब आप, हम यहाँ सुबह 10 बजे आ रहे हैं, 10 बजे से शाम को 7 बजे तक जाते हैं, और पूरा दिन विजिट पे विजिट है, विजिट पे विजिट है। एक्चुअली इक्विपमेंट इतने बेस्ट हैं तो कस्टमर को देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं कि आके वो कस्टमर यूज़ भी कर रहे हैं यहाँ पे और देख भी रहे हैं, तो क्वालिटी का भी पता लग जाता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम आज तक फोटोज में देखा करते थे या फिर किसी चैंपियनशिप जिम में जाया करते थे जहाँ कंपटीशन हो रहे हैं वहाँ पे देखा है लोगों को आयरन प्लेट्स उठाते हुए, और मैं वेट लिफ्टर रहा हूँ तो मैंने वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में के अंदर बम्पर प्लेट्स यूज़ करी हैं, बट वो चीप क्वालिटी की होती हैं, एंड देन मैं भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी की बम्पर प्लेट्स दिखती कैसी हैं एंड फील कैसी होती हैं। इवन मैं पूरे दिन बम्पर प्लेट्स के साथ ही अपना बिताता हूँ रोजाना की ट्रेनिंग का, और मैंने हर ब्रांड की बम्पर प्लेट्स ट्राई करी है, बट ये सच्ची में कुछ स्टेट ऑफ एन आर्ट है जी, और क्वालिटी अच्छी है इसकी। बेस्ट ये वैल्यू कंपोजिशन आपकी ब्रांड का ऐसा बना हुआ है ना कि किसी को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, इवन क्वालिटी भी अच्छी चाहिए इंटरनेशनल ब्रांड जैसी, तो वो 80 को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये ओवर प्राइस नहीं है, ओवर प्राइस नहीं है, क्वालिटी के साथ में जिस इस क्वालिटी में आपको कहीं पे मिलने वाली नहीं है, इस क्वालिटी में इस प्राइस में आपको कहीं बम्पर प्लेट्स नहीं मिलने वाली। ये कहीं पे मिडिल में लाई करती है एक हाईली एक्सपेंसिव चीज में, और बिल्कुल बहुत ही पुअर क्वालिटी और चीप प्लेट्स जो होती है उनसे ऊपर, उनसे ऊपर, बट हाई क्वालिटी की प्लेट चाहिए एट अ लोअर प्राइस तो 80 की तरफ देख सकते हैं। ये बिल्कुल, बहुत चलो थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप आए हमारे स्टॉल पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, थैंक यू सो मच।